देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने बड़ा हमला बोला है। उदित राज ने न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा, योगी आदित्यनाथ में रावण और दुर्योधन का डीएनए है और उन्हें एक बार अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि देश में कोई जाति के नाम पर बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पर बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा करने का काम कर रहा है। बांटने वाले इन तत्वों में रावण और दुर्योधन का डीएनए काम कर रहा है। जो काम त्रेता युग में रावण ने किया वही काम बांटने वाले कर रहे हैं। अब इसके जवाब में कांग्रेस नेता उदित राज ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के ही डीएनए चेक करने की जरूरत है। आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उदित राज ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने डीएनए के बारे में ही बात कर रहे होंगे, इसलिए एक बार उसको चेक करा ले। रावण और दुर्योधन का डीएनए योगी जी में ही मिलेगा और अगर ऐसा ना होता तो अखिलेश यादव ने जब घर छोड़ा था तो उसे गंगा जल ना छिड़कवाते। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के एक और बयान बटेंगे तो कटेंगे पर पलटवार करते हुए उदित राज ने कहा कि योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अगर बहुजन उनके साथ रहेगा तो कटेगा और उनसे अलग रहेगा तो बच जाएगा, क्योंकि बांटने का काम तो योगी आदित्यनाथ ही करते रहते हैं। पूरी के मंदिर में राष्ट्रपति तक प्रवेश नहीं कर सकती। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों ने लाठी लेकर राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, ऐसे लोग विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह कहाँ चले गए? त्रेता युग में जो हुआ था योगी जी खुद उसकी परछाई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।